हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम समझेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 से उपभोक्ता का संतुलन। सो बच्चों, बेसिकली इसके अंदर हम फाइंड करना सीखेंगे कि TU और MU को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, जिसमें इसने बोला है कि एक व्यक्ति की कुल उपयोगिता। सो बच्चों, कुल उपयोगिता को हम TU कहते हैं। वो निम्न तालिका के अनुसार हम यह रिप्रेजेंट की गई है, मीन्स कि हमें TU दे रखा है 0, 12, 21, 29, 32 और 30। सो बेसिकली जो हमें यह फाइंड करना है वो सीमांत उपयोगिता MU फाइंड करनी है। सो इसने हमें टोटल दो चीज़ें गिवन दे रखी है, पहला यूनिट और दूसरा TU। फर्स्ट पे यूनिट और सेकंड पे TU। सो हमें यहाँ जो फाइंड करना है, जो हमें थर्ड चीज़ जो निकालनी है वो सीमांत उपयोगिता, वो MU है। सो सबसे पहले हम इसको किसी भी तालिका के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें गिवन होती है। सो मैं आप लोगों को ये पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करवाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं या कौन कौन सी चीज़ें पहले हमें लिखनी होती है। सो बेसिकली इसके अंदर हमें फर्स्ट पे गिवन है यूनिट। सो यहाँ मैं लिखूंगी यूनिट जो मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो यहाँ मैं डाल देती हूँ यूनिट्स। सो यूनिट्स की हम वैल्यूज देखते हैं कितनी दे रखी है मुझे यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू। तो यूनिट्स की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 0 से लेकर के 5 तक। तो 0 से लेकर के 5 तक मैं यूनिट्स की वैल्यू लिख लेती हूँ पहले। सो सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सो ये हो गई हमारे यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर क्या गिवन है। सो बच्चों, जो दूसरी चीज़ दे रखी है वो मुझे दे रखी है यहाँ पर TU। कुल उपयोगिता भी मुझे यहाँ पर गिवन है। सो सबसे पहले हम TU का कॉलम बनाएंगे। सो पहले मैंने यहाँ लिख दिया है TU, जिसे हम कुल उपयोगिता भी कहते हैं। सो जिसकी वैल्यूज दे रखी हैं वो मुझे दे रखी है बच्चों यहाँ पर 0 पर 0 दे रखी है, 1 पे दे रखी है 12 और 3 पर दे रखी है 21, 2 पर दे रखी है 21, 3 पे दे रखी है 29, 4 पे दे रखी है बच्चों 32 और 5 पे दे रखी है मुझे यहाँ 20। सो हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। सो बेसिकली जो मुझे अब फाइंड करना है वो सीमांत उपयोगिता है, जिसे हम MU कहते हैं। सो मैं आप लोगों को MU फाइंड करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम MU फाइंड करते हैं जब हमें TU दिया हुआ होता है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया MU, जिसे हम सीमांत उपयोगिता भी कहते हैं। तो फर्स्ट पर ये मुझे दे रखा है 0, जहाँ ये 0 होगा वहाँ पर मैं डैश करके डाल दूँगी। सो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, तो उसका आंसर फाइंड हो जाता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ माइनस करूँगी 12 में से 0 गए, तो 12 में से 0 गए तो यहाँ बचे 12। तो इसका पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले मैंने 0 था तो मैंने यहाँ पर डैश डाल दिया क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता। फिर मैंने 12 में से 0 को माइनस करा, तो 12 में से 0 गए तो ऑब्वियसली 12 बचे। सो इसके बाद अब हम 21 में से 12 माइनस करते हैं। सो 21 में से अगर 12 गए तो बचे यहाँ पर 9। अब हम माइनस करते हैं 29 में से 21, तो 29 में से 21 गए तो बचे यहाँ पर 8। अब हम माइनस करते हैं 32 में से 29 गए तो बचे यहाँ पर 3। अब लास्ट वाला 20 में से 32 हमें यहाँ पर माइनस करना है। बच्चों, जो 5 की वैल्यू थी वो हमें 20 नहीं, वो हमें दे रखी है 30। ये चीज़ हमें जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है यहाँ पर 30। सो हम यहाँ माइनस करेंगे 32 में से 30 को। सबसे सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 30 माइनस 32, तो 32 में से अगर 30 गए तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ आएगा 2। बट साइन कौन सा है, कौन सा बड़ा है, माइनस का, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, क्योंकि इसका साइन ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ पे साइन भी माइनस करेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 2। सो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम MU को कैसे फाइंड करते हैं। हमेशा सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते जाते हैं, तो ऐसे करके हमारा MU फाइंड हो जाता है। सो अब हम इसका सेकंड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। सो बच्चों, सेकंड न्यूमेरिकल में इसने बोला है कि नीचे दिए गए TU तालिका से MU ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा है उस तरीके से ये भी सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे, उसके बाद हम इसने TU दे रखा है,
टी यू के लिखने के बाद हम एम यू को फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो चीज़ हमें गिवन होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी क्या बच्चों, यूनिट्स लिखूंगी जो मुझे गिवन है। सो यहाँ मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो सबसे पहले मुझे यहाँ दे रखा है बच्चों यूनिट्स, यूनिट्स की वैल्यू चेक करते हैं कितनी दे रखी है। सो बच्चों जो यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है वो मुझे दे रखी है 1 से लेकर के 6 तक की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में अपने 1 से लेकर के 6 तक के यूनिट्स की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में आ गया 6। उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज़ मुझे क्या गिवन है। सो बच्चों जो सेकंड टर्म हमें गिवन है वो है TU गिवन है, कुल उपयोगिता TU। तो TU की वैल्यू हम लिखते जाते हैं TU, जिसे हम कुल उपयोगिता भी कहते हैं। सो बच्चों ये 1 पे दे रखा है 4, 2 पे दे रखा है 7, 3 पे दे रखा है 9, 4 पे दे रखा है 10, 5 पर भी 10 गिवन है और 6 पर ये जो गिवन है, 6 पर गिवन है ये बच्चों 8। सो आई होप आप लोग इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो चीज़ हमें गिवन होती है। सो मुझे टोटल 2 चीज़ें गिवन थी, एक यूनिट्स और TU। अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। सो बेसिकली जो हमें फाइंड करना है वो MU है, हमें MU फाइंड करना है यहाँ से। सो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं MU, सीमांत उपयोगिता। सो मैंने यहाँ MU का कॉलम बना लिया MU। सो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट वाली जो टर्म दे रखी है, अगर हम TU की चेक करें तो वो 4 दे रखी है। सो अगर ये मुझे 4 दे रखी है तो MU भी 4 होगा। बच्चों अगर ये TU की वैल्यू 0 देता तो मैं इस तरीके से यहाँ पर MU पर डैश लगाती अगर मुझे TU वाली फर्स्ट टर्म ही 0 दे रखी होती। बट अभी मुझे यहाँ पे जो TU वाली टर्म है वो मुझे 4 गिवन है, तो मैंने MU की वैल्यू में भी यहाँ पे 4 लिखा। सो बस अब हमें क्या करना है, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। 7 में से 4 गए तो बचे 3। इसी तरह बच्चों सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म, मीन्स कि 9 में से अगर 7 गए तो बचे 2, और बच्चों अगर 10 में से 9 गए तो बचे 1। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था MU इस तरीके से सॉल्व होता है, हम दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म में से दूसरी वाली टर्म को माइनस करते जाते हैं। इसी तरह 10 में से 10 गए, नीचे वाली में से हम ऊपर वाली को माइनस करते जाते हैं। 10 में से 10 गए तो 0 बचे। अब यहाँ पे 8 और 10 दे रखा है, अब 8 में से 10, सो बच्चे ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि 8 में से 10 जा सके, तो यहाँ पे साइन जो है वो किसका रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि 10 और 8 के बीच का अगर हम गैप देखें तो वो 2 का है। अगर 10 में से 8 गए तो 2 बचे, बट साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, क्योंकि ये माइनस का साइन 10 के साथ लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया, क्योंकि कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है। तो ये जो यहाँ पे प्लस का साइन है इसके साथ ये 8 के साथ लगा हुआ है, जो माइनस का साइन है वो 10 के साथ लगा हुआ है। अब इसमें से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, तो यहाँ पे 10 नंबर बड़ा था और साइन इसके पास कौन सा था, माइनस का, तो मैंने यहाँ पे माइनस का लगाया, मीन्स कि माइनस का 2। सो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम TU और MU को किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो बच्चों उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से जब हमें MU गिवन होता है तो हम TU कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने समझा कि हम MU कैसे फाइंड करते हैं। MU को फाइंड करने के लिए बच्चों हम दूसरी वाली में से पहले वाले को माइनस करते जाते हैं, दूसरी वाली में से पहले वाले को माइनस करते जाते हैं, तो तब जाके हमारा MU फाइंड हो जाता है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।